सो अगेन वेलकम इन माई इंग्लिश क्लास सो लेट स्टार्ट चैप्टर फोर्टीन चैप्टर फोर्टीन नेम इज़ लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर ओके सो फर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंशन डेट हेयर ओके सब पहले अपने डेट मैंशन करेंगे उसके बाद वर्क स्टार्ट करते हैं okay? ओके इसने कापीज नहीं निकाली हैं पहले कॉपी निकाल दीजिए देन विल स्टार्ट वर्क ओके सो चैप्टर है आपका फोर्टीन द नेम इज दटल टाइगर बिग टाइगर ओके सो यू हैव टू राइट वेरी नीट एंड क्लीनली ओके सो देआर फ्यू वर्ड्स वर्ड्स मीनिंग है आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे कुछ और वर्क भी है लेट्स डू देट ओके फिर आज के बाद क्या होगा आज हम सिक्स करने के बाद चैप्टर फोर्टीन तक करने के बाद हम अब आपका कराएँगे सेटरडे से कराएंगे आपके हम ग्रामर ओके ग्रामर का चैप्टर्स कराएंगे कुछ उसके बाद बच्चे का फेस इसमें से करा देंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें से कराएंगे उसके बाद अगर टाइम होगा तो कराएंगे क्योंकि आपके इक्कीस को ट्वेंटी वन को जो है कॉपीज़ आपको स्कूल में सबमिट करनी है करेक्शन के लिए और प्लीज़ इस टाइम सब लोग जमा करें कॉपीज़ ठीक है बुक जमा नहीं करनी है जब मैं बुक मंगाऊँगी तो बुक सबमिट करेंगे जब आपसे बोलूँगी ये बुक सबमिट करनी है तब उसके अलावा आपको बुक सबमिट नहीं करनी है क्लियर ठीक है ओके सो लेट स्टार्ट जिसकी कॉपी पापर नहीं हुई उसके मैं मार्क्स कट कर दूँगी ठीक है और वीडियोज़ नहीं आएंगी जो वीडियोस में मांगती हूँ उन वीडियोस की मैं बात करती हूँ ठीक है ओके नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्या है वर्ड मीनिंग और हाँ अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वो चीज़ नहीं देख पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका कुछ करने का ठीक है क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं उसकी क्या फ़ायदा ऐसे ऐसा करने का ठीक है समझते तो है नहीं आप एक दिन पढ़ते एक दिन पढ़ते हैं डेली पढ़ने से माइंड हमारा शार्प होता है डेली कोई चीज़ कोई मशीन अगर नहीं चलाओगे तो वो खराब हो जाती है हमारा माइंड वैसा ही होता है अगर आप उसको डेली नहीं चलाओगे तो क्या होगा वो काम करना बंद कर देगा है, है ना बहुत चीज़ें होती हैं हमारी जो ना चलाने से ख़राब हो जाती हैं वैसे माइंड भी होता है उसको डेली उसको नहीं पढ़ाओगे नहीं पढ़ेगा वो तो वो कैसा जाएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा है ना वो करना नहीं है ओके सो दिस फर्स्ट है आपका स्टडी शेडी क्या होता है शेडी होता है फुल शेड मतलब छाया छाया होती है उसको बोलते हैं ब्लोड मतलब अ रोरिंग शाउट एक ऐसा शाउट या साउंड जो दहाड़ने वाला हो ठीक है ट्विस्ट नंबर थर्ड है आपका ट्विस्ट साथ में रीडिंग करिए ट्विस्ट इसका मतलब होता है टू गिव अ सडन जक ठीक है सपोज ट्विस्ट आप आंखें भी ट्विस्ट करते हैं हिलाते नाते हैं तो झटका ले देना ट्विस्ट ठीक नेक्स है नेक्स्ट क्या है पाउच पाउंच क्या होता है टू अटैक हडनली आप किसी भी पंजे से अटैक कर रहे हो उसको बोलेंगे पाउच ग्रंट क्या होता है शॉर्ट और डीप साउंड ऐसा साउंड करते नहीं अंदर से साउंड लगाते हैं अगर आप किसी एनिमल को पकड़ते हो तो वैसे घुर आता है ऐसा कर, करते नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ आप डॉगी को देखो पकड़ के वो खाना खा रहा हो ठीक है तो आप उसको हाथ लगाओगे तो अभी साउंड करेगा कि घुर्राएगा वो वही करंट होता है ठीक है वो करंट आपका लाउड भी हो सकता है है ना डी लाउड भी हो सकता है शॉर्ट भी होता है और हल्का भी होता है ग्लिसन क्या होता है चमकना कोई शाइन करना टू शाइन विद अ स्पार्किंग लाइट इससे आँखें चमकती नहीं एनिमल्स की रात में देखना और कैट की देखना कैट की जो होती है ना वो नाइट में जो आँखें होती चमकती हैं क्योंकि वो ग्लिसेंट होती हैं मेरी चमकने वाली होती है स्पार्किंग होती है वो है ना अब आपका रो, रोड रोड मीन्स क्या होता है दहाड़ना फुल डीप क्राई एनिमल का चिल्लाना क्राई मीन्स क्या होता है चिल्लाना दो दही चिल्लाना होता है शागो वाला चिल्लाना होता है ये रोग चिल्लाना भी होता है ठीक है फाउल फाउल क्या होता है फ़ाउल एक डोमेस्टिक वर्ड होती है फॉर ईटिंग खाने के लिए और प्रोड्यूसिंग एक्ट जिस जिस वर्ड्स का हम लोग यूज़ खाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं एक्स के लिए वो एक्ट देखे वाले ठीक है अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव पहली बात तो ये कि इसके क्वेश्चन नहीं आंसर्स नहीं थे खाली ये एम सी क्यू उसके रूप में थे बट मैंने इनको क्वेश्चन बना दिया है आंसर लिखवा दिए इनके ठीक है सो डोंट बी कन्फ्यूज़ कि मैम बुक में तो है नहीं ओके द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल जो पूछ रहे हैं वो कहाँ रहते थे अगर बुक पढ़ा होगा तो पता है कि आंसर क्या होगा द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर अ रिवर जंगल में रहते थे कहाँ पर रिवर के पास में ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू है वो डेड द मदर टाइगर हंट वैन द स्काई वॉज डार्क जब अंधेरा हो जाता था चांद चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती थी चंद्रमा की तो वो क्या करती थी द मदर टाइगर हंटेड शीप वो क्या करती थी वो शीप्स होती हैं जो शीप होती हैं गोट्स होती हैं उनका शिकार करती थी वेन द स्काई वॉज डार्क जब रात हो जाती है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वॉट इज द टाइगर कप कैच वन नाइट उसने एक दिन क्या पकड़ा टाइगर कप कॉट अ फ्रॉग वन नाइट उसने क्या पकड़ा एक फ्रॉग को पकड़ा ठीक है आंसर आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चन नंबर फोर क्या पूछ रहे हैं वॉट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब वैन ही चेज़ द फ्रॉक जब उसने फ्रॉक को चेज किया तो उसके साथ क्या हुआ द फ्रॉक हॉप्ड अवे वैन द लिटिल टाइगर कब चेज़ द फ्रॉक जब उसने उसका पीछा किया चेज़ मतलब पीछा किया फॉलो किया तो ठीक है वो क्या वो हॉप कर रहा था हॉप मतलब जम्प करते नहीं वो चलते कहाँ हैं जम्प करते हैं ठीक है तो उसने वो किया अब क्या है हमारे पास अब है हमारे पास मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस तो मैच तो करेंगे इसलिए मैंने सामने सामने लिखवा दिया है ठीक है हॉर्स है ठीक है तो हॉर्स की बेबी को क्या बोलते हैं कॉल्ट ठीक है सी ओ एल टी कॉल्ट एम सी की उसमें भी दे सकती हूँ मैं ये ठीक है डिफरेंट टाइप में करके मैं दे सकती हूँ ठीक तो है तो ध्यान रखना है एफिल्स पर कर दूँगी मैं सन्टेंस फ्रेम कर दूँगी उसमें आपको डाल दूँगी कि आपको कोई अंडर वाले वर्ड को चेंज करना सन्टेटेंस में कुछ भी कर दूँगी लेकिन आएगा ज़रूर ठीक है डॉग का हो जाएगा डॉग के बच्चे को बोलते हैं पपी कैट के बेबी को बोलते हैं किटन ठीक है काओ के बेबी को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं हम कॉफ पिक के बेबी बोलते हैं पिगलेट टाइगर के बेबी बोलते हैं हम कव शीप की बेबी को बोलते हैं हम लैम्ब ओके जो गोट होती है उसकी बेबी को बोलते हैं हम लोग किड जो डक होती है उसकी बेबी को बोलते हैं हम लोग डकलिंग अब आपका क्या है प्लेस दीज लेटर्स इन द देयर राइट्स ऑर्डर टू फॉर्म देयर नेम्स ऑफ एनिमल्स ठीक है तो क्या करना है आपको जो लेटर्स हैं ये डिफरेंट टाइप डिफरेंट लेटर्स दें आपको इन्हें प्रॉपर वे में लिखना है ठीक है अब देखिए कैसा मिल मिक्स है ये प्रॉपर लिखना है एम ओ यू एस ई माउस ठीक है इसको समझना है क्या लिखा है तो इसको लिखा है हॉर्स फिर क्या है ये लिखना है आपको लॉन्ट फिर क्या है ये शीप फिर क्या है डियर फिर क्या है बुल फिर क्या है टाइगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है वर्ड्स को प्रॉपर से रख रख के तभी आती हैं चीज़ें यह खुद से नहीं आ जाती हैं कि आप समझते हैं कि अरे ऑटोमेटिक है माइंड में आ जाएगा ना इसको देखना पड़ता है बुल्फ ये हो गया बुल्फ कि कौन कौन सा लेटेस्ट क्या क्या बन रहा है तो वैसे ही बना जाता है ठीक है so, सो यवा अलावा करिए वैसे बहुत सारा वर्क था आज इतने कराएंगे बाकी रह गया वो बात बाद में कराएंगे ठीक है सो अभी के लिए इतना ही सो डू इट बाय एंड टेक केयर